शनिदेव की दृष्टि से कोई भी नहीं बच पाता, ये हम सभी जानते हैं। वो चाहे एक आम इंसान हो या फिर देवता हो। भगवान शंकर की कुंडली में जब एक बार शनिदेव महाराज जी आए तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार शनिदेव जी महाराज भगवान शंकर जी के धाम हिमालय पहुँचते हैं और उनको प्रणाम करके उनसे आग्रह करते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हैरान हो गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? फिर शनिदेव जी बोलते हैं कि हे भोलेनाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि से बचने हेतु शिव ने हाथी का रूप रख लिया और शनि की दृष्टि से बचने के लिए अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आ गए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप ले लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा कि अब दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत पर लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर हुआ ही नहीं। तब यह सुनकर शनिदेव जी बोले कि हे भगवान, मेरी दृष्टि से ना तो देवता बच सकते हैं और ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा कि मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। इसके बाद शंकर भगवान भी समझ गए कि वाकई में हकीकत में शनिदेव महाराज जी से कोई भी नहीं बच सकता। ये छोटी सी वीडियो थी, सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ।